वाल्मीकि रामायण स्वाध्याय के 19वें एपिसोड में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बाल्य कांडम अष्टादशः सर्गः सिद्धाश्रम में विश्राम। लक्ष्मण जी और राम जी विश्वामित्र जी के साथ सिद्ध आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। तब रास्ते में श्री राम विश्वामित्र जी से पूछते हैं, हे मुनिवर, ये पर्वत के समीप काला मेघ सा क्या प्रतीत हो रहा है? लगता है बहुत बड़ा जंगल है, यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े वृक्ष हैं और बहुत सारे पशु पक्षी हैं। ये सफर तो रोमांचक सा लग रहा है, क्या हम सिद्ध आश्रम पहुँच चुके हैं? तब विश्वामित्र जी राम जी से कहते हैं कि अभी नहीं, हम बस पहुँचने ही वाले हैं। सिद्ध आश्रम में महातेजस्वी विष्णु ने भी तप किया है और ऋषि वामन ने यहाँ सिद्धि प्राप्त की है, इसलिए इस जगह को सिद्ध आश्रम कहते हैं। सिद्ध आश्रम में मैं भी तप करता हूँ। अक्सर यहाँ पर राक्षस दुरात्माएं आकर यज्ञों में विघ्न डाला करती हैं। उनका वध इसी स्थान पर करना होगा। हे राम, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ कि तुम इन दुष्ट राक्षसों का वध कर हमारे यज्ञों में विघ्न डालने से रोको। विश्वामित्र जी राम जी और लक्ष्मण जी से कहते हैं, जिस प्रकार ये आश्रम मेरा है, ठीक उसी प्रकार तुम्हारा भी है। तब विश्वामित्र जी दोनों राजकुमारों के साथ आश्रम में प्रवेश करते हैं। आश्रमवासी विश्वामित्र जी का स्वागत करते हैं। जिस तरह वो विश्वामित्र जी का स्वागत करते हैं, ठीक उसी प्रकार वो दोनों राजकुमारों का भी स्वागत करते हैं। तब दोनों राजकुमार महातेजस्वी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे मुनि, आप आज ही यज्ञ आरंभ कीजिए। ये आश्रम सिद्ध आश्रम है, इसका नाम सार्थक हो, आपका वचन सत्य हो, आप आज ही यज्ञ आरंभ कीजिए। विश्वामित्र जी प्रसन्न होकर यज्ञ की तैयारियों में लग जाते हैं और राम जी लक्ष्मण जी बड़ी सावधानी पूर्वक रात व्यतीत करते हैं और सुबह उठकर आचमन करते हैं, गायत्री मंत्र करते हैं, अपनी दैनिक क्रियाओं को समाप्त करते हैं और ध्यान रखते हैं। मित्रों, आज के सर्ग से हमें क्या सीख मिलती है कि गुरु की आज्ञा का पालन हमें कितने निष्ठापूर्वक करना चाहिए? विश्वामित्र जी ने राम जी और लक्ष्मण जी को काम सौंपा। उन्होंने ये नहीं कहा कि नहीं कल करेंगे, आप कल यज्ञ शुरू करना, हम आज ही करेंगे, आप आज ही यज्ञ की शुरुआत कीजिए। तो ये थी गुरु की आज्ञा का पालन करना, साथ ही समय का ध्यान रखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमारा समय व्यर्थ ना जाए और हमारा काम भी अच्छे से हो जाए। बोलो जय श्री राम।